नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। आजमगढ़ की अतरौलिया क्षेत्र से खबर है, जहां स्थानीय थाना क्षेत्र निवासी नूर मोहम्मद जनसेवा केंद्रों के प्रेरणा स्रोत के रूप में उभर कर सामने आए। वयम जनसेवा केंद्र टीम की तरफ से उनके उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए उन्हें बधाई दी गई है। बता दें कि आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया थाना क्षेत्र के महादेवपुर गांव में अपने सपनों को साकार करने के लिए नूर मोहम्मद ने वयम जनसेवा केंद्र की शुरुआत की और लगातार क्षेत्रवासियों को सेवाएं प्रदान करते रहे। उनके उत्कृष्ट कार्यों से खुश होकर वयम जनसेवा केंद्र की टीम ने उन्हें प्रेरणा का स्रोत मानते हुए उनके कार्यों को पूरे जिले में प्रकाशित कराने का फैसला लिया है। एक तरफ जब दुनिया खेतों को बाजार तक लाने की होड़ में लगी है, तो वही दूसरी तरफ नूर मोहम्मद ने बाजारों को खेतों में लाकर दिखाया है। मीडिया से बातचीत करते हुए वयम जनसेवा केंद्र संचालक नूर मोहम्मद ने बताया कि मैं सुबह 6 बजे से उठकर रात 10 बजे तक कड़ी मेहनत करता हूं और अपनी दुकान पर ही क्षेत्रवासियों को सभी सेवाएं मुहैया कराता हूं। मेरी दुकान पर जनसेवा केंद्र से संबंधित हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। मुझे खुशी है कि मेरी इस छोटी सी दुकान को वयम जनसेवा केंद्र की टीम द्वारा प्रकाशित करने का फैसला लिया गया है। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मुझे इस लायक चुना गया। वयम जनसेवा केंद्र के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नीरज सिंह ने बताया कि नूर मोहम्मद की दुकान को वयम प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रकाशित करने का फैसला लिया गया है। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम आफ्ताब है। मेरे बड़े भाई का नाम नूर मोहम्मद है। मैं ग्राम सिखावना का निवासी हूँ और मैं माधेपुर में दुकान चलाता हूँ और मेरे बड़े भाई भी यहीं पे दुकान चलाते हैं। जब मैं यहाँ नहीं रहता हूँ तो बड़े भाई दुकान चलाते हैं। मैं कॉलेज में अभी पढ़ रहा हूँ, तो कॉलेज पे जाते हैं बड़े भाई चलाते हैं दुकान को, और जब वो नहीं रहते हैं तो हम चलाते हैं दुकान को, क्योंकि मेरे भाई जो पत्रकार भी हैं। और आप जनता को कैसे अब डील करते हैं? मैं ग्राहकों को बहुत ही सही ढंग से डील करता हूँ, क्योंकि जो ग्राहक होते हैं भगवान के रूप होते हैं, इसलिए उनसे प्रेम पूर्वक बोलता हूँ और उनके भाव को समझता हूँ, तब उनके जो बोलते हैं उसी के साथ मैं काम करता हूँ, तो जो जनता जो ग्राहक हमसे खुश रहते हैं। जनता, आप दुकान को कितने बजे तक खोल देते हैं? सुबह मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खोला रहता हूँ दुकान, और मेरे भाई भी रहते हैं 10 बजे तक। और आप उसके जनता के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, दुकान के बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं आप? देखिए, हमारी दुकान जो है कि महादेवपुर में जब खोले हम नई दुकान, तो हमारी दुकान चोरी हो गई थी, और चोरी हो गई थी थोड़ा हिम्मत तो टूट रही थी, लेकिन फिर भी हमने अपनी हिम्मत को टूट नहीं दिया और फिर भी यहाँ पर अटक रहे, यहाँ पर अभी भी रुके हुए हैं, क्योंकि धीरे धीरे ग्राहक हमारे बन गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल जाती है और लोगों का व्यवहार भी अच्छा है यहाँ पे। किस प्रकार की ऑनलाइन की जाती है? यहाँ पर आय, जात और निवास और जितने भी फार्म ऑनलाइन होते हैं वो सभी प्रकार के यहाँ फार्म ऑनलाइन किए जाते हैं, जैसे कि BTC हुआ या BEd हुआ, और जितने भी फार्म हैं सभी प्रकार के यहाँ पर फार्म ऑनलाइन किए जाते हैं। वयम जनसेवा केंद्र की तरफ से वयम के प्रेरणा स्वरूप रूप में चुना गया है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मुझे वयम जनसेवा प्रेरणा स्वरूप से जो चुना गया है टीम द्वारा, उससे हमें बहुत ही खुशी हुई है कि हमें इस लायक समझ करके हमें चुना गया है, और जो भी वयम जनसेवा प्रेरणा स्रोत से जो भी जानकारी आती रहेंगी सब हम सबको बताते रहेंगे और ये हमारी जारी रहेगी। आजमगढ़ में पूर्व मंत्री नफीस अहमद द्वारा दी क्षेत्र भ्रमण का कार्यक्रम लगातार जारी है। आज इसी क्रम में गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के शिवपुर निवासी प्रहलाद राजभर की पत्नी मिसिरपुर में भोलहु यादव के पोते की मृत्यु, इसपुर में राज नारायण यादव कोटेदार, कंदरापुर में चंद्रभान यादव की पत्नी की मृत्यु बेहद दुखद है। इस बेहद शोकाकुल समय में दिवंगतों के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की एवं दिवंगतों की आत्मा की शांति की कामना की। भ्रमण के दौरान कंदरापुर में राम आश्रय गुप्ता के स्वास्थ्य खराब की सूचना मिलने पर घर जाकर उनसे मुलाकात की एवं जल्द स्वस्थ होने की उनसे कामना भी की। तो तस्वीरें आजमगढ़ से है, जहाँ पूर्व मंत्री व समाजवादी पार्टी के विधायक गोपालपुर विधायक नफीस अहमद द्वारा क्षेत्र भ्रमण का कार्यक्रम लगातार जारी है, और वो इसी क्रम में आज गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम पीड़ितों से मिले हैं। अम्बेडकर नगर जिले के आलापुर तहसील क्षेत्र के घाघरा के बाढ़ के चलते पूर्वी क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन की ओर अब तक सिर्फ आवागमन के लिए 2 नाव मुहैया करा के बदहाली हालत में छोड़ दिया है। तो वही समाजसेवी सुनील कुमार मौर्य ने बाढ़ प्रभावित गांव अराजी देवारा के हंसुमी के पूर्वी में पहुंचकर 4 दर्जन परिवारों को राहत सामग्री वितरित किया।
बता दें कि अराजी दीवारा गांव बाढ़ की चपेट में है और नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों को दुश्वारियां हो रही हैं। समाज सेवी सुनील कुमार मौर्य अपनी टीम के साथ नाव के जरिए गांव में पहुंचे और आलू, दाल, मसाला, सोयाबीन, साबुन, चीनी एवं अन्य सामग्री के पैकेट का वितरण किया। समाज सेवी सुनील कुमार मौर्य ने कहा कि बाढ़ के चलते ग्रामीणों को काफी समस्या हो रही है, ऐसे में उनकी मदद का प्रयास किया गया है, भविष्य में भी राहत सामग्री वितरित की जाएगी। क्या कुछ कहा मीडिया से हुई बातचीत में सुनील कुमार मौर्य, समाज सेवी ने आपको सुनवाते हैं। आलापुर तहसील क्षेत्र के अराजी दीवारा गांव में आप आए हैं, क्या लग रहा है यहाँ बाढ़ की समस्या और लोगों का जनजीवन कैसा है? जनजीवन तो मैं पिछले वर्ष भी आया था और मैं देख रहा हूँ 1947 के बाद जब से देश आज़ाद हुआ है ये बाढ़ की समस्याएं कोई नई नहीं हैं कि उल्का पिंड की तरह एक बार आ जाती हैं, ये हर वर्ष की हैं और मौजूदा सरकार से लेकर बीती सरकारों ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया कि इसका स्थायी इलाज करा दिया जाए। अभी मैं देख रहा हूँ 3 साल से पुल बन रहा है, रोड नहीं बन पाया, इसमें सारी समस्याएं पड़ी हुई हैं। नदी का जलस्तर बढ़ा है, लोगों के घरों के अगल बगल पानी है, पशुओं के चारे के साथ कई समस्या होती है, प्रशासन का इंतजाम क्या लग रहा है आपको? यहाँ तो प्रशासन का इंतजाम पिछले साल से कुछ नहीं देखा जा रहा है। 2 नाव यहाँ प्रशासन ने किया है, दोनों नाएँ एकदम डैमेज तरीके से, हम उसी नाव से आए हैं, उस नाव में देखें पानी है, वो एक व्यक्ति था उसमें पानी नाव से बाहर निकाल रहा था और उसमें पानी नीचे छेद है, तो नाव का नहीं है, उससे पूछे तो मजदूरी का बता रहा है, पिछले साल से मजदूरी भी बाकी है। तो क्या मांग करेंगे आप सरकार से? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि लोगों के लिए अभी देखें आवास भी लोगों को नहीं है, आवास, रोड और पुल जो है, इन लोगों का स्थायी इलाज करा दिया जाए, कोई भी सरकार हो, और मौजूदा सरकार से तो निवेदन है। अब लोग वैक्सीनेशन को लेकर अधिक जागरूक हो गए हैं, इसका कारण भी है भीड़ अधिक जुट रही है। शुक्रवार को सीएससी नवोदय पर वैक्सीनेशन करवाने वालों की भीड़ उमड़ी और स्वास्थ्य कर्मियों को उन्हें संभालने में मशक्कत करनी पड़ी। बता दें कि शुक्रवार को सीएससी नवोदय जीनपुर पर वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें दोपहर तक सैकड़ों की डोज लगाई गई। वही डॉक्टरों की टीम ने बताया कि शुक्रवार को सुबह से ही वैक्सीनेशन लगवाने के लिए भीड़ जुट गई थी। भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि भीड़ कम करने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, साथ ही लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए लाइन लगाने को कहा गया। बता दें कि इस दौरान कंजरा, दिलसादपुर, छतरपुर, बिरमा, खालिसपुर, जैनपुर सहित तमाम गांवों की महिलाओं और पुरुषों की भीड़ पंजीकरण में वैक्सीनेशन के लिए सुबह से ही जुट गई थी और अपनी बारी का इंतजार करने लगी। का नाम है? धर्मेंद्र। कहाँ घर पड़ेगा? अरे बंकर। क्या करने आए हैं हॉस्पिटल पे? वैक्सीन लगवा। कब से खड़े हैं? आधी घंटा। तो अभी मतलब कि अभी लगा नहीं? नहीं लगा। अच्छा, पहला डोज की दूसरा डोज लगवाने हैं? अतरौली नगर पंचायत में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में गरीब और निराश्रित बच्चों का कोरोना संक्रमण में अपने माता व पिता को खो चुके अनाथ हुए बच्चों का प्राथमिकता के आधार पर नामांकन किया जा रहा है। अनाथ और निराश्रित हुए बच्चों का भविष्य संवारने के लिए सरकार ने हर तहसील में एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निर्माण भी कराया है। कोरोना संक्रमण में अनाथ हुए बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर इन्हीं विद्यालयों में नामांकन किया जा रहा है। कस्तूरबा विद्यालयों का हाल बेहतर हुआ है, विद्यालय में सभी संसाधन भी उपलब्ध हैं, खाना रहने की 100 बेड की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल के लिए RO प्लांट, कपड़े की धुलाई के लिए विद्यालय में वॉशिंग मशीन, पढ़ाई के लिए प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। बच्चों को एक अच्छी सुविधा दी जा रही है। सरकार द्वारा 1 सितंबर से सभी विद्यालय खोलने का आदेश दे दिया गया है। आज सुनाते हैं क्या नामिका कुशवाहा विद्यालय के वार्डन ने क्या कुछ कहा। जी, मैं नामिका कुशवाहा, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय विकासखंड अतरौलिया में वार्डन के पद पर कार्यरत हूँ। मैम, ये कोविड से बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनको कस्तूरबा में प्राथमिकता के साथ एडमिशन कराना है, नामकरण कराना है, और उसके लिए क्या क्या सुविधा है और बच्चों के लिए क्या क्या सुविधा है इसके बारे में? जी, जो बच्चों COVID-19 में जिन बच्चों के माता या पिता में से कोई एक एक्सपायर हो गया या जिनके माता पिता दोनों ही एक्सपायर हो गए हैं, बच्चे पूरी तरह अनाथ हो चुके हैं, उनके लिए कस्तूरबा विद्यालय एक बहुत ही गोल्डन चांस है। और एक वो यहाँ पे क्योंकि रहने का पूरी व्यवस्था, खाना रहना, पढ़ाई और उसके साथ उनके लिए 100 बेड की व्यवस्था है, 100 बच्चियों के बेड की, और शुद्ध पेयजल के लिए RO, वॉशिंग मशीन है बच्चों के कपड़ा धोने के लिए, और पढ़ाई के लिए प्रोजेक्टर, ये सारी सुविधाएं बच्चों को एक स्टैंडर्ड क्वालिटी की सुविधाएं दी जाती हैं। पढ़ाई का भी, यहाँ रह के बच्चे पढ़ते हैं तो उनमें उनका रिमेडियल क्लास भी लिया जाता है, और उनको जो ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं, जो पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं, उनको एक धारा में लाने के लिए, एक शिक्षा की धारा से जोड़ने के लिए हमारे सभी शिक्षकों द्वारा एक्स्ट्रा प्रयास किया जाता है।
और बच्चे जो है यहाँ पे रह के जो अनाथ बच्चे हैं उनको माता पिता बहन सबका प्यार मिलता है, क्योंकि यहाँ हमारी तीन रसोइयाँ हैं, हमारी शिक्षिकाएँ और हम सभी लोग विद्यालय में बच्चों के साथ ही। सुरक्षा व्यवस्था के बच्चे लोग की क्या है, कैसे? सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमारे पास दो गार्ड हैं जो कि नाइट और डे ड्यूटी करते हैं, और उसके अलावा चौकीदार हैं गेट पे, वो रहते हैं, चपरासी हैं जो बाहर सामान, अगर किसी सामान की आवश्यकता होती है तो बच्चों का वो ले आते हैं, बच्चों को गेट के बाहर जाने नहीं दिया जाता है बिना गार्जियन के। पतित पावनी गंगा के लिए एक कहावत आजकल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ी चरितार्थ होती नजर आ रही है कि जो कोई भी इसमें डुबकी लगाता है उसके सारे दोष पाप मिट जाते हैं और वह पवित्र हो जाता है। तो ये कहावत ये भी है कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई, अर्थात समर्थवान कहीं दोषी नहीं होता, जबकि चाकरी कर चाँद पर जाना की कहावत भी चरितार्थ होती दिखाई दे रहा है। बताते चलें कि भारत में विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां समर्पित एवं निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अहमियत सिर्फ काम करवाने एवं वोट लेने के अतिरिक्त कुछ भी नज़र नहीं आता, और जब पद प्रतिष्ठा की बात आती है तो उन लोगों की याद व अहमियत बढ़ जाती है जो किसी दूसरे दल को छोड़कर केवल पद व प्रतिष्ठा पाने के लिए भाजपा में जल्द ही शामिल हुए हैं। शायद उनकी अहमियत इस बात पर निर्भर करती है कि वो दूसरे दल में रहकर भाजपा का कितना व किस तरह किस स्तर तक विरोध किया है। ऐसा ही आजमगढ़ भाजपा इकाई में देखने को मिला। विगत नगर पालिका के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए श्री कृष्ण सिंह उर्फ किशन ने न सिर्फ चुनाव लड़वाया बल्कि अपने प्रत्याशी के समर्थन में पुरजोर प्रचार भी किया। बात सिर्फ इतनी होती तो भी कोई बात नहीं, राजनीति में यह होता रहता है, परंतु मनोज सिन्हा का पुतला फूकना शायद अतिरिक्त योग्यता मानी जाती है। आजमगढ़ भाजपा इकाई में युवा मोर्चा जिला महामंत्री के पद के चुनाव की बात की जाए तो इकाई के मुख्य धारा के पदाधिकारियों द्वारा अपने पुराने व कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए किशन के नाम पर मुहर लगा दिया, जबकि उनका योगदान पार्टी के लिए इतना ही जाना जा सकता है कि दूसरे दल में रहते हुए उन्हें भाजपा को जमकर कोसा था। आजमगढ़ के अथरौलिया क्षेत्र में संचालित लगभग एक दर्जन प्राइवेट स्कूल खोल दिए गए हैं, जिसमें बच्चों की उपस्थिति बहुत कम हो रही है, जिसके क्रम में नगर पंचायत में संचालित आरएस गारमेंट स्कूल यूनियन बैंक रोड पर विद्यालय में सभी संसाधन होते हुए भी बच्चों में भय का माहौल व्याप्त है। वहीं कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए तथा तेजी से फैल रहे वायरल बुखार की वजह से अभिभावकों में भी भय का माहौल व्याप्त है। बच्चे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं लेकिन अभिभावकों में अभी भी भय बना हुआ है। विद्यालय के प्रिंसिपल रितु सिंह ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत बच्चों को विद्यालय में प्रवेश से पहले उनका थर्मल स्कैनिंग, हैंड सैनिटाइजर तथा मास्क लगाकर ही कमरे में प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही साथ बच्चों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में क्षेत्र के दर्जनों प्राइवेट विद्यालयों में कोविड 19 प्रोटोकॉल के साथ ही 50% अनिवार्यता के साथ बच्चों को पठन पाठन का कार्य कराया जा रहा है। आइए सुनाते हैं कि विद्यालय की प्रिंसिपल रितु सिंह ने क्या कुछ कहा। किस विद्यालय की प्रधानाध्यापक हैं या प्रबंधक हैं, उसके बारे में? मेरा नाम रितु सिंह है, हमारे कॉन्वेंट स्कूल अतरौली आजम। मैडम, आज 1.5 साल बाद विद्यालय खुल रहे हैं, बच्चे आए हैं, किस तरह से बच्चे लोग को अंदर ले रही हैं, किस कैसे सैनिटाइज क्या है, उसके बारे में बताइए। पहले बच्चों को थर्मल स्क्रीनिंग कराया जा रहा है, इसके बाद जो सैनिटाइजर हाथ से कराया जा रहा है, मास्क लगाया जा रहा है, बच्चों को जो है 2 गज की दूरी के लिए एक सीट पे एक एक बच्चे से बैठाया जा रहा है। बच्चे की उपस्थिति कितनी है इस वक्त, पहला दिन है, उपस्थिति कैसी है, इसके बारे में बताइए। अभी पूरे बच्चे तो नहीं आ रहे हैं, अभी 20-30% अभी है बच्चे आए। एडमिशन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में? एडमिशन के ऊपर तो बहुत ज़्यादा अभी है, अभी भी लोग डर रहे हैं कि हो सकता है फिर से तीसरी लहर आ जाए और स्कूल बंद कर दिया जाए। का अमृत महोत्सव 75वें स्वतंत्रता दिवस उत्सव के अंतर्गत आयुष आपके द्वार राष्ट्रीय अभियान के राष्ट्रीय दृष्टिगत आयुक्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 3 सितंबर 2021 को अधिक से अधिक परिवारों को औषधीय हर्बल पौधे बांटने के कार्यक्रम के अंतर्गत वितरित कराया जाना है। पूरे प्रदेश में औषधीय पौधे बांटा जा रहा है। उसके क्रम में आज जनपद आजमगढ़ में कुंवर सिंह उद्यान में जिला उद्यान अधिकारी ममता सिंह यादव द्वारा औषधीय पौधे नीम, बेल, ग्लोय, सतावर, सहजन आदि के पौधों का वितरण किया गया, वो भी 150 कृषकों के मध्य वितरित किया गया है। कार्यक्रम में कृषकों के साथ विभागीय कर्मचारी भी उपस्थित रहे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह सगड़े विधानसभा के गांगेपुर मठिया में जहां पर बाढ़ से कटान हो रही वहां पहुंचकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और मौके की स्थिति को देखा और बाढ़ पीड़ितों से समस्याओं की जानकारी ली। जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि बाढ़ के लिए कोई स्थायी समाधान नहीं ढूंढा जाता, बाढ़ से सुरक्षा के लिए जो पैसा आता है उसमें विभाग के लोगों द्वारा बंदर बाट कर ली जाती है, क्योंकि बाढ़ के समय खर्च किए गए धन का कोई ऑडिट नहीं हो पाता है। 3 स्पकट होकर का निर्माण होना था जिसके लिए 18 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें से 50 लाख रुपए अवमुक्त भी किया जा चुका है। विभाग की लापरवाही के कारण समय रहते ठोकर का निर्माण नहीं हुआ, जिसके फलस्वरूप रिंग बंधे तक पानी आ गया है और कटान होने लगी है। विभाग ने समय रहते ठोकर का निर्माण इसलिए नहीं कराया कि बाढ़ आएगी
और बाढ़ में मरम्मत के नाम पर आए धन की बंदरबांट की जाएगी। अगर जो है अगर धर्म की राजनीति से मंदिर मस्जिद की राजनीति से अगर उनको फुर्सत होती, मॉब लिंचिंग से उनको गंदी राजनीति से अगर उनको फुर्सत होती तो 18 करोड़ रुपया का जब उन्होंने ये योजना स्वीकृत की तो 50 लाख रुपए सिर्फ खर्च हो पाया। समय रहते 3 स्पर का निर्माण क्यों नहीं हो पाया, इसकी मॉनिटरिंग करती, क्योंकि उसके पास तो धर्म मजहब की राजनीति से ऊपर उठ करके और भी जितनी गंदी सोच है, विपक्ष को नंगा बदनाम करने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। अगर वो काम करना चाहते तो 18 करोड़ रुपए का कार्य समय से हो जाए ताकि आज रिंग बंदे तक पानी ना आ जाए, उस जो है वो बह न जाए जो बना था, 3 स्पर का जो निर्माण हुआ था उस पर वो काम करते पहले से, तो उनको चिंता ही नहीं। बिलहिया में पुल बह गया है, साल भर हो गया और लगभग 2 दर्जन गाँव प्रभावित है, नाव से लोग आ रहे हैं। जिला प्रशासन तहसील प्रशासन का पर्याप्त नाव है, अभी आप रास्ते में देखे हैं बच्चियां कैसे नाव पर छूट। उसमें अभी आपने बताया है कि वहां पर जो पुल बहा हुआ है लगभग 15 गांव के लोग उससे प्रभावित हैं, 7-8 नाव लगी हुई है जहां लोगों को राहत कार्य पहुंचा रही, लोगों को इधर से उधर लेकर के जा रही। निश्चित रूप से अगर 48 लाख या 50 लाख का जो भी पुल बना उस समय, जैसा आपने भी बताया और हमने भी देखा, उस पुल के सुरक्षा के लिए इन लोगों को कोई ना कोई काम करना चाहिए था। उसके सुरक्षात्मक का जो एक स्वरूप है उसको इस तरीके से करना चाहिए था कि पुल न बहे। अच्छा बह गया तो बाढ़ में बह गया कहकर अपना पल्ला झाड़ लेंगे, लेकिन हम लोगों की सरकार बनी तो भी नहीं बनी तो भी बाढ़ समाप्त होने जाने के बाद पूरे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की हम लोग पदयात्रा करेंगे। पदयात्रा के बाद कौन कौन सा नुकसान हो हुआ है उसकी भरपाई के लिए हम संघर्ष करेंगे। सर क्या लगता है कि इतना तेज कटाव हो रहा है, आने वाले समय में रिंग बंधा भी कट? रामगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के देवकली खालसा गांव के ग्राम प्रधान के साथ थाने में पुलिसिया कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल DIG परिक्षेत्र आजमगढ़ से मिला और शिकायती पत्र सौंपकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, MLC राकेश यादव गुड्डू और पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल DIG आजमगढ़ परिक्षेत्र अखिलेश कुमार के कार्यालय पर पहुंचा और शिकायती पत्र सौंपा। इस दौरान पीड़ित ग्राम प्रधान दीपक कुमार ने बताया कि उसके गाँव के एक व्यक्ति शराब पीकर गिरा पड़ा था, इसे पुलिस ठालाई। इसके बाद पुलिस ने फोन कर उनको थाने पर बुलाया। आरोप है कि SI DK सिंह ने पीड़ित ग्राम प्रधान को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि पुलिस आए दिन ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रही है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। कहाँ रहने वाले हैं? देवली खालसा। अच्छा क्या मामला है आप आए हैं? यहाँ पर मुझको SI DK सिंह द्वारा गाली फक्कर जाति सूचक शब्द कहकर मुझको बेइज्जत किया गया थाने में बुलाकर, उसी के सिलसिले में। क्या मामला था? मामला ये था कि मेरे गांव का एक संदीप नाम का लड़का था और दारू पीकर रोड पर पड़ा था। फिर उसको सिपाही द्वारा थाना में ले जाया गया। फिर थाने सिपाही नीरज कुमार ने मुझको फ़ोन किया और कहा कि आइए प्रधान जी, ये बहुत पी रखा है, इसको आइए लेकर जाइए। फिर उसी सिलसिले में थाने पर गया तो मुझको नीरज कुमार ने कहा जाइए DK सिंह से बात कर लीजिए। मैं उनके यहाँ गया तो उनसे कहा कि सर जो संदीप कुमार आया है सर, उसको थोड़ा देख लीजिए, दारू वारू पी रखा है, उसको सर छोड़ दीजिए। बस यही शब्द कहने के बाद वो मुझको लगे गाली पकड़ देने। फिर उसके बाद मैंने कहा सर मैं देवली खालसा का प्रधान हूँ, तो जब ये शब्द सुने तो और गाली दिए, भोसड़ी वाले माधर्चो, तू प्रधान हो गया है तो अपने आप को प्रधानमंत्री समझ रहा है, मुझको तू ऑर्डर दे रहा है, ऐसे ऐसे जाति सूचक शब्द कहकर मेरा अपमान किया। क्या चाहते हैं? बस न्याय चाहता हूँ। मिला आश्वासन मिला है, उन्होंने कहा है कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा जांच करके। थाना क्षेत्र के करेनुआ गांव में शाम 5 बजे करीब चुनाव रंजीश में दो पक्षों में कहासुनी के बीच विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के लोग गालियां देते हुए लाठियों से हमला कर दिया। हमले में महिलाओं सहित आधा दर्जन घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नगर लाया गया जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। करेनुआ गांव के पूर्व प्रधान और गांव के ही अयादव बस्ती से प्रधान चुनाव में वर्तमान प्रधान के साथ देने को लेकर अनबन और कहासुनी हुई थी। आज सुबह पूर्व प्रधान के पक्ष वालों ने दूसरे पक्ष के एक युवक पर आरोप लगाते हुए पूछताछ करने गए थे। इसी बीच दोनों विवाद होने लगा। गांव के लोगों ने बीच बचाव कर मामले को निपटाने का प्रयास किया, बावजूद इसके दोनों पक्ष शाम को एक बार फिर आमने सामने हो गए और जमकर लाठियां फांसी। घायलों की तरफ से स्थानीय थाने में धरे देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई और समाचार लिखे जाने तक मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ था। आजमगढ़ जनपद में एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है और उस वीडियो को लोग अब तरह तरह के नाम दे रहे हैं और सरकार की कार्यशैली से भी उसे जोड़कर देख रहे हैं। खासकर विपक्ष खेमे में तो इस वीडियो को लेकर के खासा जोर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग अब इस वीडियो को भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से जोड़कर देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यही है
उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था। दरअसल इस वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि एक छोटा लड़का जो महाराजपुर गांव का बताया जा रहा है अपने बाबा को ठेले पर सुलाकर इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिहदा अनवरगंज लेकर जा रहा है। रास्ते में एक समाजवादी यूजन सभा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लालजीत क्रांतिकारी मिल गए और उन्होंने ही इस वीडियो को बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जैसे ये वीडियो हमारे हाथ लगी, TV20 न्यूज़ के हाथ लगी, आप लोगों तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक लड़का ठेले पर एक बुजुर्ग व्यक्ति को लाद कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर के जा रहा है। ऐसे में समाजवादी जनसभा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लालजीत क्रांतिकारी ने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था अब राम भरोसे हो गई है। क्या और कुछ कहा, सीधे सुनवाते हैं आपको। मेरा नाम लालजीत क्रांतिकारी है, समाजवादी यूजन सभा पूर्व प्रदेश कार्यकारी सदस्य। आज मैं जब कंदरापुर से आजमगढ़ के लिए जा रहा था तो बीच रास्ते में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जिन ही क्रॉस किया तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है सिहदा अनवरगंज के नाम से। तो मैं जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करके जा रहा था तो बीच में एक ठेले पे एक बुजुर्ग थे और एक मुझको उम्मीद थी कि 13 या 14 साल का लड़का था। वो अपने बाबा को उस ठेले पे सुला करके इलाज के लिए ले गया था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सियादा पे। तो वहाँ पे वह न तो वहाँ पे इलाज उसको मिल पाया है, न तो दवा मिल पाई है, न तो डॉक्टर मिला है वहाँ पे। और जब वो क्या नाम से वहाँ से लेके जा रहा तो वापस लड़का दवा नहीं मिली है तो मैं देखा हूँ, मैं वीडियो बना लिया। मैं इस सरकार से मेरा सवाल है कि आपने स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्या आयुष्मान की क्या क्या व्यवस्थाएं का 108 जो अखिलेश यादव जी दे दिए थे व्यवस्थाएं, वो भी गरीबों को मुहैया नहीं हो पा रही है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी गड़बड़ हो गई है कि क्या बताया जाए। गरीब इसका लाभ नहीं उठा पा रहा है। गरीब हमेशा देखिए, अभी जिस चिलचिलाती धूप में जा रहा था उस बेचारा लड़का की कहने वाली बात नहीं है। मेरा सवाल है इस सरकार से कि आप सिर्फ गरीबों का वोट लेने के लिए आप लोग लेकर के सरकार बनाए हैं, तो गरीबों का शोषण करना बंद करिए। नहीं तो ये तो अब सरकार तय कर चुकी है कि 2022 में आपको निश्चित तौर पे आना नहीं है, इस सरकार को हटाकर। गढ़ में नियामाबाद थाना क्षेत्र के फत्तनपुर गांव में आज प्राइमरी स्कूल पर फरिया चौकी प्रभारी राजेंद्र प्रसाद सिंह ने मिशन नारी शक्ति की जानकारी दी और कहा कि महिलाएं घर में रहकर 1090 और 181 नंबर पर तत्काल पुलिस की मदद ले सकती हैं। उन्होंने बताया कि अगर कोई भी किसी लड़की या महिला के साथ टिकट टिप्पणी करता है तो महिलाओं को उनसे उलझने की बजाय सिर्फ इन नंबरों पर कॉल कर बता दें। अगर महिला अपना नाम पता नहीं बताना चाहती है तो पुलिस उनका नाम भी गुप्त रखेगी। रूढ़छाप मजरूमों को जेल भेज दिया जाएगा। सरकार चाहती है कि महिलाओं की सुरक्षा और उनको जागरूक कर बताया जाए कि पुलिस की मदद कैसे महिलाएं बगैर थाना चौकी जाए घर से ही कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं। इस अवसर पर राजेंद्र प्रसाद सिंह, अभिषेक पांडे, अनिल यादव, महिला कांस्टेबल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। शक्ति अभियान 3.0 के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनिता द्वारा अग्रसेन बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ में कानूनी जागरूकता अभियान का दीप प्रज्वलन एवं माँ सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पण कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुश्री अनिता द्वारा दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, कन्या भ्रूण हत्या के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेनदेन या इसके लेनदेन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। दहेज एक सामाजिक समस्या है जिसका उन्मूलन तभी हो सकता है जब हम संकल्प पूर्वक इसके विरुद्ध कदम उठाएं। दहेज लेना व देना अपराध की श्रेणी में है। उन्होंने बताया कि पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PNDT अधिनियम 1994 भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए कानून है। इसके तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जाँच पर पाबंदी है और घरेलू हिंसा के बारे में भी बताया गया। सचिव ने अग्रसेन बालिका इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य से कहा कि छात्राओं की आत्मरक्षा के लिए विद्यालय में मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिलाए। तृतीय चरण योजना के तहत जनपद आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक द्वारा मिशन शक्ति का प्रचार प्रसार पुलिस के कर्मचारियों द्वारा किया गया। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक सुधीर जायसवाल के निर्देशन में थाना कोतवाली के बलरामपुर चौकी क्षेत्र द्वारा अपने थाना क्षेत्र के स्कूल व बवाली मोड़ में पोस्टर बैनर के माध्यम से मिशन शक्ति तृतीय चरण के बारे में जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया गया। थाना जहानागंज क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय ग्राम सुभि में महिलाओं को एकत्र कर मिशन शक्ति तृतीय चरण के संबंध में जानकारी दी गई।
थाना जैनपुर के ग्राम बड़े गांव में महिलाओं को मिशन शक्ति के संबंध में जानकारी देकर जागरूक किया गया। थाना महाराजगंज के ग्राम उसरकुड़वा में महिला बीट अधिकारी द्वारा महिलाओं को मिशन शक्ति के संबंध में जानकारी दी गई। थाना देवगांव के ब्लॉक पलहना में महिलाओं को एकत्र कर मिशन शक्ति के संबंध में जानकारी दी गई। थाना तरवा के ग्राम कबूतरा में लोगों को एकत्र कर मिशन शक्ति के बारे में जानकारी दी गई। इसी तरह तमाम जनपद के विभिन्न थानों में महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान और सुरक्षा को लेकर की जानकारी दी गई। आजमगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा संगठन विस्तार करने में जुटी है। इसके तहत आजमगढ़ महिला मोर्चा की नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत समारोह पार्टी कार्यालय पर रखा गया। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा गोरखपुर की क्षेत्रीय अध्यक्ष अमिता गुप्ता भी उपस्थित रही। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष तिरुज सिंह व बबीता जसरासरिया ने क्षेत्रीय महिला मोर्चा के अध्यक्ष अमिता गुप्ता को बुके भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर आजमगढ़ महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष बबीता जसरासरिया, जिला उपाध्यक्ष पूनम सिंह, जिला मंत्री जोई श्रीवास्तव, विभाग सहित अन्य पदाधिकारियों को अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया गया। आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष ने महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महिला मोर्चा की कार्यकर्ता घर घर जाकर महिलाएं लोगों को जागरूक करें और पार्टी को मजबूत प्रदान करें। उन्होंने कहा कि आज हर क्षेत्र में विकास की जसरासरिया जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा आज जिस तरह से कार्यक्रम है महिलाओं को सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए क्या कार्यक्रम है क्या कहना चाहेंगे? आज जो प्रोग्राम है वो महिलाओं की जो टीम बनी है 31 की तो उसको सम्मानित करने की का प्रोग्राम है। क्या उद्देश्य देंगे महिलाओं? बस महिलाओं को जागरूक करना है। यही महिलाएं जो बनी हैं वो डोर टू डोर जाएंगी और महिलाओं को निकालेंगी और महिलाओं को जागरूक करेंगी और उनको योजनाओं के बारे में बताएंगी जो मोदी जी की योजनाएं हैं। आज जो कार्यक्रम चल रहा है महिलाओं का क्या उद्देश्य? मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर क्षेत्र अमिता सिंह गुप्ता। आज जो कार्यक्रम हो रहा है इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि महिला मोर्चा आजमगढ़ से जिला अध्यक्ष बनी है बहन बबीता जी जो कि अपने महिला मोर्चा की जो टीम घोषित किया इन्होंने उस टीम का ये स्वागत समारोह रखी है और उस स्वागत समारोह में क्षेत्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व से मैं भी इनके निमंत्रण से आई हुई हूँ। आज ये कोई भाषण का विषय नहीं है, ये स्वागत समारोह रखा गया है महिलाओं के परिचात्मक बैठक। जिस तरह महिलाओं को जुड़ने के लिए आप लोग कितना प्रयास करेंगे? महिलाओं के जोड़ने के लिए ही हमारी सरकार हमारी महिला मोर्चा की बहनों को जो अभी आप देख रहे होंगे कि पूरे क्षेत्र में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में महिला मोर्चा की टीम घोषित हो रही है और महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में हम सभी बहनों के बीच में जाकर अपने बहनों को जोड़ने का काम करेंगे अपने टीम के साथ और सरकार के नीत और रीत को और सरकार द्वारा जनता के हित के लिए जितने भी हमारे फैसले बनाए गए हैं जो सरकार बनाई है हम उनको लोगों के बीच में हर वर्ग के लोगों के बीच में लेके जाएंगे और अपने मजबूती से अपने बातों को रख करके अपने टीम को और अपने पार्टी को मजबूत बनाएंगे। आगामी चुनाव नज़दीक आ गया है तो किस तरह से महिला आगे आएंगी और दोबारा सरकार बनेगी? हमारी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और हमेशा से हमारी महिलाएं बहुत मजबूती से इस भारतीय जनता पार्टी में संगठन से जुड़ी हुई हैं और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस समय केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में योगी सरकार जो कि आप देख रहे होंगे कि कितने विकास हो रहे हैं, विकास की जो गंगा बह रही है जिस प्रगति से उस प्रगति को कायम रखने के लिए हम लोग महिला मोर्चा को आप देख रहे होंगे यहाँ भी हमारी तमाम बहनें आई हुई हैं। हम लोग इतने इस प्रगति को तेज़ी से कायम रखने के लिए हम लोग फिर से कमल खिलाएंगे और भाजपा फिर हमारी आ रही है, हमारे योगी जी भी आ रहे हैं, आप देखते रहिए। बहुत मतलब रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे इस बार योगी जी क्योंकि उन्होंने काम किया है। पूरे जिले में सफाई अभियान चलाने के साथ कोविड महामारी के दौरान फ्रंटलाइन में काम करने वाले व जन जागरूकता फैलाने वाले सफाई कर्मचारियों को नेहरू हॉल सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी के पहुंचने पर सफाई कर्मचारियों ने फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। समारोह के दौरान समस्त एरियो पंचायत सफाई कर्मचारियों को अंगवस्त्र देकर भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि कोविड सहित सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रचार प्रसार व जन जागरूकता फैलाने वाले सफाई कर्मियों को सम्मानित किया जा रहा है जिससे इनके मनोबल को बढ़ाया जा सके।